सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। ये कहानी ली गई है उनके कथा संग्रह वहा जिंदगी से। कहानी का शीर्षक है मेरा क्या कसूर। मत मारो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम तो सब जानते थे ना मेरे परिवार के बारे में। अरुणिमा गिड़गिड़ा रही थी, मुंह खोलती है मेरे सामने। नंगा तेरा बाप हाथ जोड़कर आया था यहाँ पर रिश्ता मांगने। मुझे लगा गरीब लड़की है, कुछ तो इज्जत रखेगा, मगर नहीं, सारी की सारी इज्जत उतार दी समाज के सामने मारी। नीलेंद्र आग उगल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो अपना आपा खो बैठेगा। अंदर से मार पीट की कुछ और आवाजें आईं, साथ में सुनाई दी अरुणिमा की दबी घुटी चीखें, और थोड़ी ही देर में जैसे सब कुछ शांत हो गया। घर इतना बड़ा भी ना था कि अरुणिमा की ये चीखें बाहर ना सुनाई देती हूं, लेकिन सबने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नीलेंद्र के माता पिता बाहर बैठे टीवी देख रहे थे, और उसका स्वर भी इतना ऊंचा ना था कि अंदर की आवाज वहीं घुट जाए, लेकिन दोनों यूं अनजान बने रहे जैसे सब कुछ सामान्य हो। उधर एक कोने में मायूस और सहमा सा पुस्तक पर नजरें गड़ाए बैठा था 12 वर्षीय अमन। अंदर से भाभी के पिटने की आवाजें उसके कान में पिघले शीशे की तरह पड़ रही थी। उम्मीद भरी निगाहें माता पिता की ओर जाती, शायद दोनों में से अभी कोई उठकर उसकी भाभी को बचा ले, लेकिन वो दोनों तो भावविहीन चेहरे लिए टेलीविजन की ओर ताके जा रहे थे। शायद कोई सास बहू का सीरियल चल रहा था। अमन का मन उचाट हो गया, न वो अभी कुछ करने लायक था, ना ही उसकी आवाज सुनने वाला कोई था। बेचारा कभी इधर कभी उधर मुट्ठियां भींचता हुआ बरामदे के चक्कर काटता रहा। मां, भैया भाभी को क्यों मार रहे हैं? जब भी भैया छुट्टी में घर होते हैं, बेचारी भाभी को जानवर की तरह क्यों मारते हैं? अरे अभी तो इनके लिए बहुत छोटा है, ये तो शादी ब्याह के बाद होता ही है। अरमिया भी है, वैसे भी आज लड़ रहे कल को एक हो जाएंगे, क्यों लफड़ों में पड़े? और तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इनकी जो ये भी बहुत छोटा है। पिछली बार जब भैया छुट्टी आए थे तब भाभी को चिल्लाते और कराहते देख मां से कहा था उसने, मां ने उसे चुप करा दिया। वो बड़ा होगा तो जरूर पूछेगा भैया से, और मां पिताजी से भी पूछेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो एक जीते जागते इंसान को जानवरों की तरह पिटते देख भी चुप्पी साधे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं, कहां हो पाया वो सामान्य स्थिति में बड़ा। एक दिन स्कूल में ही था कि घर से बुलावा आया, और अगले ही दिन वो बाल सुधार गृह में पहुंचा दिया गया। भाभी को मारने और जिंदा जलाने के अभियोग में माता पिता और भाई जेल की सलाखों के पीछे गए, और वो नाबालिग होने के कारण बच्चों की जेल में। आखिर उसका कसूर क्या था? हां, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने जरूर सच सच कह दिया था, अरुणिमा मर चुकी थी पूरी तरह जलकर। अंतिम चंद सांसों को लेकर अस्पताल पहुंची और आखिरी बयान के रूप में, बताओ बेटा, सारा, सारा, ये
चार शब्द कहकर उस भयंकरतम पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो गई इस संसार से। एक वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था नीलेंद्र और अरुणिमा का। सामान्य परिवार की अरुणिमा अपने साथ दहेज तो अधिक ना लाई, लेकिन रूप गुणों की उसमें कोई कमी नहीं थी। नीलेंद्र पास के ही शहर में एक फैक्ट्री में काम करता और महीने 15 दिन में घर के चक्कर लगा ही लेता, लेकिन वो जब भी आता बस एक ही रट, अरे किस घर में शादी कर दी मेरी, मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हारी जिद ने, मां अब भुगतो। लेकिन जिससे तू शादी करना चाहता था उससे भी कैसे करने देती, तुझे तो मालूम ही था ना किस कुल किस खानदान की है वो। नाराजगी जताई। नौकरी करती है वो, सारी जिंदगी कमा कर लाती और फिर हम दोनों एक दूसरे को। नीलेंद्र अब तुम्हारी शादी हो चुकी, इधर उधर की बातें मत सोचो। मां हम आज भी एक साथ काम करते हैं और तुम्हारी चुनी हुई ये बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मां ने जैसे तैसे उसे समझाया और वो अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। बात तो वहीं समाप्त हुई, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर अरुणिमा वैवाहिक जीवन का आरंभिक सुख भी ना भोग पाई। जा अपने बाप से कह मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, बस में धक्के खा खा कर परेशान हो गया हूं मैं। कुछ दिन बाद ही नीलेंद्र ने जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में अरुणिमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बाहर भी निकाला तो मार पीट कर। अरुणिमा के लिए यह शारीरिक से अधिक मानसिक आघात था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति जानने के बाद भी उस पर इस तरह के अत्याचार हों। ठंड से गठरी बनी अरुणिमा को सुबह 5 बजे सास ने द्वार खोलकर अंदर किया था सुबह की चाय बनाने के लिए। दोनों पति पत्नी को 5 बजे ही चाय पीने की आदत थी, लेकिन एक बार भी उससे ये ना पूछा कि वो कैसे और क्यों कपकपाती सर्दी में रात भर बाहर रह गई। दहेज अच्छा ना मिल पाने के, और सच तो ये है कि लोभी प्रवृत्ति के कारण उसके प्रति उनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी थी। अरुणिमा को क्या पता था कि यह तो आरंभ है, संवेदनहीनता क्या, अभी तो न जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा उसे। इतना झेलती है क्यों नहीं अपने बाप से मांग लेती जो नीलेंद्र चाहता है। सास ने कुछ ही दिनों पश्चात इस संबंध में मुंह खोला। मां आप तो जानती हैं मेरे पिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दोनों छोटे भाई पढ़ रहे हैं और उनकी आमदनी भी अधिक नहीं, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती उनसे कुछ कहने की। शालीनता से कही गई उसकी बात को तो फिर मर कहकर सास ने समाप्त किया। उसके बाद वो ना जाने कितनी बार मरी फिर से जीने के लिए। हर बार सोचती आखिर उसका कसूर क्या था, और इसी प्रश्न को मन में लिए संवेदनहीनता व क्रूरता की अंतिम सीमा सहती अरुणिमा इस दुनिया से विदा ले गई। लेकिन मरने से पहले दुनिया के सामने मुंह तक ना खोला। कल ही रात नीलेंद्र घर आया था। रात भर उनके कमरे से मारपीट, नीलेंद्र की गाली गलौच और अरुणिमा के रोने कराहने के दबे घुटे स्वर उभरते रहे। सुबह अमन तो स्कूल चला गया,
आज मां ने ही उसे नाश्ता कराया था। भाभी कमरे से बाहर भी ना निकली तो उसके अबोध मन में तमाम प्रकार के सवाल तूफान बनकर खड़े थे, और लौट कर आया तो भाभी को देख भी नहीं पाया। तो क्या वो रात को ही जल चुकी थी? अमन के मन में प्रश्न उठा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक जीता जागता इंसान पूरी तरह जल जाए, न चीखे ना चिल्लाए और ना ही जलने की कोई गंध ही फैले, इसका मतलब ये उसके स्कूल जाने के बाद ही हुआ। पड़ोसियों ने बताया, गवाही दी, घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। यह साबित हो चुका था कि उसे कमरे में बंद कर जलाया गया। पति ने जलाया और सास ससुर मूक दर्शक बने देखते रहे। अरुणिमा के अंतिम बयान ने तीनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उन्हें उम्र कैद हुई और अमन गया बाल अपराधियों के बीच। आखिर भाभी ने क्यों कहा कि सब लोग शामिल थे? क्या उन्होंने उसके लिए भी कहा होगा? शायद नहीं। किसी ने भी उनके दिए बयान में सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। अरुणिमा ने क्या स्वयं सोचा होगा कि उसका यह बयान उस परिवार में उसके एकमात्र हमदर्द और उसके सबसे प्रिय अबोध अमन को भी सलाखों के पीछे ला देगा? यूं तो अरुणिमा इस घर में कभी भी खुश ना रही, लेकिन नीलेंद्र के छुट्टी आने पर उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती, और उन्हीं दिनों में अमन भाभी के आसपास किसी ना किसी बहाने से आता और परेशान दुखी भाभी को हंसाने का प्रयास करता। ये बात अरुणिमा भी समझती। उसे देख एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर उतर ही आती थी। सुधार गृह पहुंचने के बाद 2 दिन तक उसने भोजन भी नहीं किया। एक ओर माता पिता और भाई के प्रति मन में नफरत भर गई, दूसरी ओर बिना किसी अपराध के जेल में रहने की सजा ने मन में और भी आक्रोश भर दिया। भाभी को परेशान करते हुए शर्म नहीं आई थी जो आप भूखे रहकर नखरे दिखा रहे हो? वहीं किसी ने कहा तो वो भड़क उठा, बोला, अरे आपने भाभी को पूछ तो लिया होता कि अमन का भी कसूर है, उससे पूछते तो मेरे बारे में सब सच सच बता देती, जैसे मैंने सबके सामने उस पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया था। मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्ला उठा। क्रोध से उसकी आंखें जल उठी। ऐसा कुलसित झूठ उससे सहन नहीं हो पा रहा था। तुम्हें अब यहीं रहना है, अच्छा है आदत डाल लो, बाल गृह की वार्डन ने उसे समझाया। वो शांत हो गया, लेकिन मन का आक्रोश नहीं गया। समय बीतता गया, उसका बचपन भी यूं ही गुजर गया। अब वो 20 वर्ष का हो गया था और बच्चों की जेल से बड़ों के कैद खाने में था, जहां कच्ची उम्र के नासमझ नहीं बल्कि बड़ी उम्र के तथा कथित समझदार गुनहगार रहते हैं। और फिर एक दिन वो छूट गया। किसी गैर सरकारी संस्था ने केस लड़ा था उसका। उसका चाल चलन और अपराध के समय की उसकी उम्र को देखते हुए उसे बरी कर दिया गया। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन के 8 वर्ष हो चुके थे और इन 10 वर्षों ने उसे कुंठाग्रस्त बना दिया। माता पिता
और भाई से इस हद तक घृणा हो गई कि बाहर आने के बाद एक बार भी उनसे मिलने ना गया। इन्हें तो फांसी होनी चाहिए थी, फांसी। भाभी को याद कर उसकी मुट्ठियां भिज जाती। इस पूरे संसार में अब वो नितांत अकेला था। जिन्होंने जुर्म किया उन्हें उसकी सजा मिली, लेकिन उसका अंतर्मन बार बार उससे पूछता, आखिर मेरा कसूर क्या था।